बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक रेसिपी जो ज़्यादातर हम रमज़ान में अफ्तार में बहुत शौक से बनाते हैं और खाते हैं। ये है पकौड़ों की रेसिपी। आज मैं आपको आलू के, बैंगन के और आलू प्याज और पालक के मिक्स पकौड़े जो है बनाना सिखाऊंगी। चूँकि रमज़ान आने में सिर्फ 2 महीने रह गए हैं और काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं जो मुझे अभी कवर करनी बाकी हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब से आपके लिए हफ्ते में 1 या 2 रेसिपीज़ रमज़ान से रिलेटेड लाया करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए हैं, चलिए आइए पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। पकौड़ों के जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें बेसन है, ये छना हुआ बेसन है 2 कप, लहसुन है 1 टीस्पून, और मसालों के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 चाय का चमचा, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 यानी कि 1/4 टीस्पून, और नमक 1 चाय का चमचा। ये वो मेन इंग्रेडिएंट हैं जो हम किसी भी एक चीज़ के पकौड़े बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब मैं आलू और प्याज के मिक्स पकौड़े बनाऊंगी तो इसके अंदर मैं बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें, हरा धनिया और मोटा कूटा हुआ साबुत धनिया मिक्स करके बढ़ा लूँगी और फिर उसके साथ मैं आलू और प्याज के पकौड़े बनाऊंगी। तो सबसे पहले बेसन के अंदर चला जाएगा पिसा हुआ लहसुन और फिर ये तमाम मसाले चले जाएंगे इसके अंदर, और अब हम पानी से इसका एक बैटर बना लेंगे। पहले मैं इसको स्पून से मिक्स कर रही हूँ और फिर विस्क से मैं इसे अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। तो मैं इसे रेडी कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये बैटर मैंने रेडी कर लिया, अब आप देख लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। ये देखिए, ना बहुत थिक होना चाहिए और ना बहुत थिन होना चाहिए। तो ये बैटर हमारा रेडी हो गया है, इसे 5 मिनट के लिए हम एक साइड पे रख देंगे ताकि थोड़ा सा बेसन फूल जाए और ये बहुत अच्छा सा रेडी हो जाए। तो ऑयल जो है वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है, इसके अंदर हम हल्का सा बैटर टपका के देखेंगे, बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो अब इसके अंदर हम अपने पकौड़े जो हैं उसे तलना शुरू करेंगे। इस तरीके से हम इसमें डिप करेंगे और एक्सेस जो है उसे इस तरीके से झाड़ के और इसमें डाल देंगे। इसी तरीके से आलू भी हम इसके अंदर डिप करेंगे और इस तरह एक्सेस हटा के और इसमें डाल देंगे। तो अब ये एक दफ़ा के पकौड़े तल लिए गए हैं, मैं इनको पेपर टॉवल के ऊपर निकाल के रखूंगी। इस तरीके से इनका तमाम एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव करके और इन्हें पेपर टॉवल के ऊपर निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से मैं बाकी भी तल लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो हमारे आलू और बैंगन के पकौड़े जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए, आप देख लीजिए कितने अच्छे बने हैं। तो इनको मैं एक साइड पे रख रही हूँ और अब बारी आती है हमारे आलू प्याज और पालक के मिक्स पकोड़े बनाने की। तो ये आलू और बैंगन के पकोड़ों से बचा हुआ बेसन है और थोड़ा सा बेसन मैंने शिफ्ट किया हुआ एक तरफ रख लिया है। तो सबसे पहले हमने वो तमाम इन्ग्रीडियंट्स इसमें मिलाने हैं जो हमने ख़ास तौर पर इसके लिए अलग करके रखे थे। अब मैं इसके अंदर प्याज और आलू भी मिला रही हूँ।
और साथ ही मैंने बारीक चॉप करके पालक रखा है, थोड़ा सा मैं पालक भी इसके अंदर मिला रही हूँ। ये तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद ये सिफ्ट किया हुआ बेसन जो है ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। जितना हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उतना ही इस्तेमाल करेंगे, और चूंकि हमने बेसन और बाकी सब्जियाँ वापस से शामिल की हैं इसलिए इसके अंदर हाफ टी स्पून सॉल्ट और हाफ टी स्पून क्रश रेड पेपर, ये दोनों चीज़ें मैं इजाफा कर रही हूँ इसके अंदर। अब मैं इसे पानी से घोल लेती हूँ और मैं हाथ से इसका बैटर बनाऊंगी। तो हम थोड़ा सा बिल्कुल दो दो टेबलस्पून पानी का इसमें शामिल करते जाएंगे। और ये बाकी का बेसन भी इसमें चला जाएगा। तो ये मैंने तैयार कर लिया है, बिल्कुल दो टेबलस्पून पानी के साथ इसको मैंने रेडी किया है और अब मैं इसके पकौड़े तल लूँगी। तो इस तरीके से हाथ से मैंने एक निवाले के बराबर का ये बैटर लेके इस तरीके से ऑयल के अंदर बहुत ध्यान से डालना है। थोड़ा सा ऊपर से डालिएगा, बहुत ज़्यादा नीचे से नहीं डालिएगा, लेकिन अगर आप इस तरह हाथ से ना डालना चाहें तो आप इस एक चमचे से भी इस बैटर को डाल सकते हैं। तो ये इतनी जितनी जगह है उसके हिसाब से डालना है, वरना ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा चिपक जाएंगे। और अब इसे सिर्फ 30 सेकंड के लिए थोड़ा छोड़ देना है, ये अपना शेप ले लेंगे तो फिर हम इसे टर्न करेंगे। तो ये मिक्स पकौड़े जो हैं ये भी रेडी हो गए हैं। इनके कलर को भी आप अपने हिसाब से ज़्यादा गोल्डन या कम गोल्डन रख सकते हैं, मुझे ये बस मीडियम इस तरीके से गोल्डन पसंद है तो मैं इनको निकाल रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें थोड़ा सा और फ्राई कर सकते हैं, ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह पसंद करते हैं। तो इन्हें भी मैं निकाल रही हूँ पेपर टॉवल पे, और अब मैं बाकी के तमाम रेडी कर लेती हूँ और फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो मज़ेदार आलू बैंगन और मिक्स पकौड़े बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हैं ये, ट्राई कीजिए, बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है, यकीनन आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कीजिए। मेरा एक फेसबुक पेज है उसे लाइक कीजिए, वहाँ आपको काफ़ी वेरियस रेसिपीज़ मिल जाएंगी। उसके अलावा एक डेली मोशन चैनल है, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए और अपने कमेंट्स में अपने सजेशंस और अपने व्यूज़ मुझसे शेयर करते रहिए ताकि मैं उसी हिसाब से अपनी रेसिपीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।